हेलो एंड वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टेबल कवर बनाना सीखेंगे। मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल कवर बना रही हूँ। किसी भी तरह के, किसी भी साइज के टेबल के लिए आप टेबल क्लॉथ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपका टेबल का साइज, लेंथ या वेट कुछ भी हो, आप इस इजी तरीके से टेबल कवर बना सकते हैं। यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़े में आप आराम से एक सुंदर सा 4 सीटर टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, या फिर पहले टेबल का लेंथ वेट नाप लें फिर क्लॉथ ले आए। सबसे पहले क्लॉथ को इस तरह से भिगो के उसका स्टार्च निकालना होगा। किसी भी क्लॉथ को आप पहले वाश करके, यानी खाली पानी में भिगो के कुछ देर रख दें, उसके बाद उसको निचोड़ के सुखा लें। इस तरह से धो के, सुखा के, आयरन करके अगर आप स्टिचिंग करेंगे तो फिर आपका डिजाइन सालों साल खराब नहीं होगा। देखिए स्टार्च निकल चुका है, छूने से ही पता चल जाता है। अच्छे से 2-3 पानी से निकाल के, खंगाल के उसे सुखा ले, फिर हॉट आयरन कर ले। यहाँ पर मैं कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ, इसलिए इसको कॉटन सेटिंग में मैं आयरन कर लूँगी, क्रीचेस निकल जाने चाहिए। अब मेरा जो टेबल यहाँ पर है उसका लेंथ एंड विड्थ दोनों ही 30 इंचेस हैं। 30 इंच का लेंथ और 30 इंच का विड्थ है। और कितना डेप्थ आप चाहते हैं, यानी कितना झूलना चाहिए कपड़ा, वो आपके हिसाब से ले सकते हैं, पर 6-7 इंचेस झूलें तो अच्छा दिखता है। और 3 इंच हमें चाहिए सिलाई के लिए, तो चारों तरफ से हमें कपड़े को 30 + 10 ले लेना है। और क्योंकि दोनों तरफ से हमें लेना है तो मैं यहाँ पर क्लॉथ कटिंग करूँगी 50 by 50 का। फ्लोर में बैठ के कट करेंगे तो अच्छे से कट हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले 1 इंच का फोल्ड करेंगे। 1 इंच का फोल्ड करके हाथ से दबाए फिर इसे फटाफट आयरन कर लें, ताकि 1 इंच का फर्स्ट फोल्ड हमारा स्ट्रांगली रह जाए। दोनों तरफ से, या फिर ये कहूँ कि चारों तरफ से पहले 1 इंच का हमें फोल्ड करना है। मैंने माइटर्ड कर्नर कैसे बनाना है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये थोड़ा सा डिज़ाइन अलग मैं बना रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर रेंटर फ्रेंडली टेबल क्लॉथ बनाएंगे, तो इसलिए पहले 1 इंच का हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद 2 इंचेस का फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, फिर से जैसे हमने 1 इंच का किया था फिर आयरन कर दिया, वैसे ही 2 इंच का फोल्ड करते हुए हमें आयरन कर लेना है चारों तरफ से। देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर में रखते हुए आप फोल्ड करते जाएं, हाथ से पहले दबाएं फिर आयरन चला दें, तो आपका फोल्ड जो 3 इंच हमने सीविंग अलाइंसेस लिया था तो वो सारा सिलाई अंदर की तरफ ही रह जाएगा। और चारों तरफ से इस तरह से कड़क आयरन कर लें और आपका जितना भी फोल्ड है वो लाइन सब डिफाइन हो जाएगा। देखिए चारों कॉर्नर्स को हमने आयरन कर लिया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो जब हम माइटर्ड कर्नर करते हैं तब बल्जिंग बिल्कुल नहीं रहता,
यानी मोटा मोटा होके सिलाई नहीं रहता, पर यहाँ हम बाद में इसे खोल के अलग कपड़ा ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग ही सिलाई करेंगे। यानी जो हमारा छोटा सा स्क्वायर जैसा दिख रहा है उसी को ही हम सिलाई करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल बना के सिलाई नहीं करेंगे। जब हम माइटर्ड कॉर्नर करते हैं तो 2 इंचेस फोल्ड किया है तो 4 इंचेस का दोनों तरफ से मार्क लगा के ट्रायंगल बना के करते हैं। यहाँ पर इस तरह से बस जो फर्स्ट स्क्वायर है हमारा उतना ही मैं कट करूँगी। देखिए इस तरह से सिलाई हमें कर लेना है। ये इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि ज़्यादा कपड़ा ना कटे और बल्जिंग भी, यानी सिलाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। तो इस तरह से मैं कम कपड़ा कट करूँगी ताकि मैं बाद में चाहूँ तो और कपड़ा इसमें ज्वाइन करके 4 सीटर का 6 सीटर टेबल क्लॉथ भी बना सकती हूँ। और देखिए इस तरह से थोड़ा सा छोड़ के, यानी 1/4 सेंटीमीटर छोड़ के हमने कट कर लिया, फिर इसे उल्टा कर लेंगे। अब उल्टा करने के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड हो रहा है। जब हम माइटर्ड कॉर्नर करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है नहीं रहता, पूरा का पूरा आराम से फोल्ड हो जाता है। जब आप अपने लिए टेबल क्लॉथ बना रहे हैं और सही नाप आपको पता है तो आप माइटर्ड कॉर्नर ही बनाएं, वो सबसे अच्छा रहता है, चाहे वो टेबल क्लॉथ हो या फिर टेबल मैट। पर अगर आपको सही अनुमान नहीं है तो आप इस तरह से स्टिच करके नहीं ले सकते। तो अब देखिए सिलाई हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन करके फिर हमारा जो कॉर्नर है उसके ऊपर 2 बार पहले जाएंगे फिर उसी रास्ते लौटेंगे, इस तरह से सिलाई हम करेंगे। स्ट्रेट सिलाई करके बैक सिलाई करेंगे फिर बाकी का लाइन करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम स्ट्रेट सिलाई करके फिर बैक आए फिर स्ट्रेट लाइन करेंगे। माइटर्ड कॉर्नर में ये कॉर्नर वाली सिलाई नहीं रहती। अब हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है, तो जैसे ही आप कोई भी सिलाई करें एक बार आयरन जरूर कर लें ताकि आपका सिलाई सेट हो जाए। और लीजिए तैयार है एक सुंदर सा टेबल कवर। बहुत ही आसानी से आप इस तरह के सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं है तो जब आप बैठेंगे तो आपके लेप के ऊपर बस छुएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घिंचा तानी वाला ज़्यादा वाला क्लॉथ बचा। अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद आता है तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो फिर प्लीज़ एनकरेज अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड डू लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कॉर्नर्स। थैंक यू।